नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आपका ब्रेन्स पार्क अकेडमी में स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में दो चैप्टर हमने खत्म कर चुके हैं। एक हमारा फर्स्ट टॉपिक खत्म हो चुका है ट्वेल्थ क्लास की बॉल साइंस का, एक हमारा सेकंड चैप्टर भी खत्म हो चुका है। थर्ड चैप्टर उसके अंदर आता है, थर्ड चैप्टर है हमारा US हेजेमनी इन दी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, US हेजेमनी इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्या हुआ? जैसे हमारा USSR का डिसइंटीग्रेशन हो गया, वो जैसे हमारा खत्म हो गया। खत्म होने के बाद जब क्या हुआ कि 1991 के बाद जितनी भी हेजेमनी हुई या पावर शो हुई, वो किसकी पावर शो होने लगी? हमारी US की। तो इसी के बारे में पूरा चैप्टर है हमारा। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि पहला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कि हेजेमनी वर्ड है उसका मीन्स होता क्या है। हेजेमनी वर्ड का मतलब होता है हमारा एक दबदबा, हिंदी में बोलते हैं वर्चस्व। सिंपल से वर्डों में इसका मतलब होता है वर्चस्व, किसी के ऊपर भी अपना दबदबा शो करना। जैसे हमारा USSR खत्म हुआ, उसके बाद हमारा आपको पता होगा उसके बाद हमारा USSR US पावर में आ गया और पूरे वर्ल्ड में पावर शो की और हुई उसने। ठीक है, तो इसमें अब फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा द बिगिनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, द फर्स्ट गल्फ वॉर और ऑपरेशन स्ट्रॉन्ग। ये सब एक ही टॉपिक का पार्ट है। ठीक है, ये सब एक टॉपिक का पार्ट है। अब इसमें हुआ क्या था वो तो मैं बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर कि 1990 में, ठीक है, 1990 में, 1990 में हमारे इराक ने कुवैत पे अटैक कर दिया और उस पर कब्जा करने के बाद उस पर तेज़ी से कब्जा कर लिया, उसे कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने के बाद हुआ क्या कि अब जो वर्ल्ड में एक यूएनओ था हमारा, यूनाइटेड नेशन, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो इसने इराक ने जो किया था हमारे कुवैत पे, उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, फ्री कराने के लिए, कुवैत को फ्री कराने के लिए यूएनओ ने 1990 में अपनी मिलिट्री पावर यूज़ करने की परमिशन उन लोगों सब कंट्री को दे दी। ठीक है, अब कंट्री कितनी थी हमारी, जितने भी कंट्रीज़ को अब उन्होंने परमिशन दी, तो 34 जो कंट्रीज़ थी उनको उन्होंने क्या दे दिया, परमिशन दे दी। ठीक है, उन कंट्रीज़ को उन्होंने परमिशन दे दी। क्या परमिशन दे दी कि तुम अपनी क्या नाम है मिलिट्री को ले आके कुवैत को रिलीफ करवाना, उनको आज़ाद करवाना। ठीक है, तो 30 जो कंट्रीज़ की जो आर्मी थी उसकी जो काउंटिंग थी, टोटल 66000 इतने टोटल मिलिटेंट थे, आर्मी मिलिटेंट थे जिन्होंने कुवैत पे अटैक करा था। ठीक है, अब उन्होंने जो कुवैत पे अटैक करा था उसको इराक पे अटैक करा था, कुवैत को फ्री कराने के लिए उस टाइम इराक का हमारा जो सद्दाम हुसैन वहाँ का तानाशाह था, ठीक है, हिटलर टाइप का था वो भी, तो इसको फ्री कराने के लिए उसने अटैक करा उसके ऊपर और उन्होंने काफ़ी सारे पावर मिलिट्री शो करी। जैसे हमारा उसमें क्या बताया गया कि 34 जो कंट्रीज़ थी और मिलिटेंट थी, इसके अंदर 75% जो आर्मी थी, ठीक है, वो किसकी थी, हमारे यूएसए की। ठीक है, इंडायरेक्ट सी पावर कितनी थी हमारी, 75% जो मिलिटेंट थे इसमें से वो किसके थे, यूएस के थे। ठीक है, और इसी वॉर में उसने स्मार्ट बॉम्ब्स का यूज़ करा, ठीक है, स्मार्ट बॉम्ब का यूज़ करा, और इसी में उसने क्या नाम है, इसी जो ये जो वॉर हुआ था इसको उसने टेलीविज़न पर लाइव दिखाया था, जिसे व्यापक कवरेज जिसे बोलते हैं टेलीविज़न पे जो TRP मिलती है उसे मिली थी, और जिसके बाद क्या हुआ था कि वो बहुत फेमस हुआ, जैसे वीडियो गेम वॉर के नाम से भी इस वॉर को जाना जाता है। ठीक है, इतनी बड़ी सेना, फर्स्ट गल्फ वॉर, ठीक है, जो UNO ने परमिशन दी, तो इसमें एक ऑपरेशन किया गया, उस ऑपरेशन को बोला गया हमारा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ठीक है, और जो UNO पूरे 1945 से लेके 1991 तक, पूरा 1991 तक पूरा जो सिस्टम था उस टाइम पे, UNO ने जो कोल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पे UNO ने कुछ भी नहीं बोला था, किसी को कुछ भी नहीं बोला गया था। तो इनडायरेक्टली शो करने के लिए क्या किया कि इसने, जैसे हमारा UNO था, UNO ने जैसे कुछ करने के लिए परमिशन दी, जैसे उन्होंने परमिशन दी ना 1990 में इराक से कुवैत को फ्री कराने के लिए परमिशन दी, उसको क्या बोला गया, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, द बिगिनिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या हो गया, उन्होंने अपनी पावर मतलब ऑर्डर उन्होंने शो कर दिया कि हाँ भाई UNO है जो अपनी पावर शो कर रहा है, बता सकता है कि भाई हाँ इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सबको कंट्रोल कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्या है, द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट गल्फ वॉर,
ये हमारा सॉरी द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर द फर्स्ट गल्फ वॉर ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इसमें से कुछ भी क्वेश्चन अटकता है या क्वेश्चन आता है तो इतना बड़ा ये क्वेश्चन बनता है। ये ऑलरेडी एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये कभी 6 नंबर का आता है, कभी 4 नंबर में आया है, कभी 2 नंबर में आया है, 2 नंबर में क्वेश्चन क्या आता है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट गल्फ वॉर है क्या, ठीक है, फर्स्ट गल्फ वॉर ही पूछ लेते हैं और ये क्या नाम है हमारा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म पूछ लेते हैं। 1 नंबर में कभी क्वेश्चन क्या फंस जाता है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वो है कि जो 99 जो कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएनओ ने कुछ नहीं बोला था, किसी कंट्रीज़ को नहीं बोला था, ना उसने यूएसए को बोला था, ना उसने यूएसएसआर को बोला था कुछ भी, ठीक है। इसी के बाद क्या हुआ था, जब उसने परमिशन दी अपने आर्मी की यूज़ करने के लिए, उसी को बोला गया हमारा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इसको याद रखना जो कि बात ज़रूरी है।